भारत सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना 2008 में ही शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 दिए जाते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के पश्चात उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना के 17वें किस्त की फाइल पर हस्ताक्षर किया था। शपथ ग्रहण के तत्पश्चात पीएम नरेंद्र मोदी ने यह पहला कार्य किया था। बता दें कि इस योजना के तहत 2000 की 3 किस्त हर 4 महीने के अंतराल में किसानों को दी जाती है और यह पैसे सीधे किसान के खाता में जाता है। बता दें कि अब तक किसानों को 16 किस्त मिल चुकी है और अब बेसब्री से 17वें किस्त की इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत 17वें किस्त जून के महीने में कभी भी जारी की जा सकती है। कैसे करें अपना स्टेटस चेक? व्यक्ति अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं कि आप कैसे अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करेंगे। सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmkisangovernment.in पर जाना होगा। फिर इसके होम पेज पर जाकर स्क्रॉल करते हुए योर स्टेटस पर क्लिक करना है। तत्पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपकी नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नए पेज पर जाकर योजना से लिंक अपना मोबाइल नंबर डालना है और दिखाई कैप्चा को भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको योजना से जुड़ी किसी जानकारी दिख जाएगी। क्या है किसान सम्मान निधि योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की बनाई बहुत ही अहम और जरूरी योजना है, जिसके तहत किसानों के खाते में धनराशि जमा कराई जाती है ताकि किसानों को आर्थिक लाभ मिल सके। इस योजना के तहत हर किसान को साल में 6,000 दिए जाते हैं, तो हर 4 महीने के अंतराल में 2,000 की किस्त होती है। बता दें कि अब तक सरकार ने 16 किस्त किसानों को दे दिया है और 17वें किस्त की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि 18 जून को किसानों को उनकी 17वीं किस्त मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है तो पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट pmkisangovernment.in पर लॉगिन कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।